अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम साहिवाल से। ये हमने इनक्यूबेटर जो है HAR से हमने परचेज़ की है। ये तीनों जो हमने एक सेटल, हैचर और इनक्यूबेटर, ये तीनों हमने अलग अलग ये HAR से परचेज़ किए हैं। ओनर नेम जो है हाफिज़ अब्दुल रहमान साहिब हैं, उनसे हमने परचेज़ किए हैं ये अलग-अलग। हमने ये 500 का, पहले हमने ये जो सेटल में 500 अंडे रखे थे और 200 के क्लच के हिसाब से हमने अंडे रखे थे। जो पहला 200 का क्लच है वो हमने इसमें जो ये सेटल है ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें रखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा रिज़ल्ट है वो इनक्यूबेटर में 75% हमारा, ये 75-80% हमारा निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और हम सेटिस्फाइड हैं इस रिज़ल्ट से। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुलरहमान भाई का जिन्होंने हमें ये इतनी अच्छी मशीन बना कर दी और इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी सेटिस्फाइड और अच्छा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलो, जो हमें सेटल के अंदर ना 10-12 ना जो अंडे रह गए थे, जो हैचर को हमने वो मूव नहीं किए थे वो रह गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा जो रिज़ल्ट है इसमें भी जो सारे जो चूज़े हैं जो रह गए थे उसमें भी ये निकले हैं। हम खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये जो हमारा अभी निकला है, पहले जो पहले निकले हैं वो हमने ब्रूडर में शिफ्ट कर दिए, ये अभी जो आज निकला है तो ये इसमें हम दिखा रहे हैं। और सेटल में से भी जो सारे हैं वो मुकम्मल बच्चे निकले हैं, मतलब 100% रिज़ल्ट है इन सब का, सब अंडों का। अच्छा, ये जो हमारे पास ये सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच के बाद जो ऊपर वाली ट्रे थी ना वो हमने शिफ्ट कर दी थी 200 अंडे की उधर हैचर में। अब ये जो 200 अंडा का जो रह गया है ये हमने कल या परसों हमने दोबारा शिफ्ट कर देने हैं, ये सेकंड क्लच में हमने रखे थे। तो जो नीचे वाली ट्रे है ये थर्ड क्लच में थी, और थर्ड क्लच जब उनकी डेट आएगी तो हम हैचर में उसको उस डेट के हिसाब से शिफ्ट कर देंगे। तो जो रिज़ल्ट है वो 100% है और सेटिस्फाइड है। अच्छा, जो और जो दूसरी बात है, जो फर्स्ट क्लच के 200 अंडे थे ना वो हमने सेटल से ना हैचर में ये कन्वर्ट किए थे, हमने शिफ्ट किए थे, तो हमने कैंडलिंग नहीं की थी और सर्दी की वजह से जो हमें ये हमारा जो फ्लॉक था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमें, तो जो हमने डेड सेल भी सारे जो 200 अंडे थे ना हमने कैंडलिंग करने की ना की वजह से ना करने की वजह से वो सारे हमने इधर शिफ्ट कर दिए थे। तो जो फर्टाइल अंडे थे वो सारे जो रिज़ल्ट है उनका 100% निकला है, और जो अब ये मशीन में जो रह गए हैं वो डेड सेल है और थोड़े से जो फर्टाइल अंडे वो रह गए हैं, बाकी सारे जो रिज़ल्ट है वो 100% है इसका।